आईडीए डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको कॉन्ट्रैक्टर से फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर बनाना सिखाएंगे और अपने पास जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है इसको फॉरवर्ड और रिवर्स दिशा में चलाकर दिखाएंगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर को आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों दिशा में चलाना हो तो अपने को कॉन्ट्रैक्टर फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर की आवश्यकता होती है। अब पहले तो आपको इसकी कंट्रोल वायरिंग सिखाएंगे, उसके बाद में इसकी पावर वायरिंग और फिर मोटर को कनेक्ट करके उसको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों दिशा में चलाना सिखाएंगे। तो आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास। पहले अपन बात कर लेते हैं, दो तो हैं कॉन्ट्रैक्टर अपने पास, ठीक है। दोनों कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपको चाहिए एडन ब्लॉक, इनको बोलते हैं एडन ब्लॉक। एडन ब्लॉक के अंदर दो एन सी दो एन होते हैं, ठीक है। तो दो कॉन्ट्रैक्टर के लिए कितने एडन ब्लॉक चाहिए? दो। एक तो ये लगा दिया इसके ऊपर और एक ये लगा देते हैं इसके, ठीक है। दो कॉन्ट्रैक्टर दो एडन ब्लॉक हो गए अपने पास। अब आपके पास एक चाहिए ओवरलोड रिले, ठीक है। यह है ओवरलोड रिले, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों दिशा में चलाने के लिए आपके पास दो होने चाहिए, दो ऑन पुश बटन और एक चाहिए ऑफ पुश बटन, ठीक है। अब कनेक्शन कैसे करना आपको देखना है। पहले आपको लेना है एक फेज वायर, फेज वायर ले लेते हैं अपने। ये कहाँ लगाना है? ऑफ पुश बटन के फर्स्ट टर्मिनल में, इसमें भी लिखा होता है एक नंबर एन सी, ये दो नंबर। एक नंबर में क्या लगाएंगे? फेज इनपुट सप्लाई, लग गया। अब दो वायर के टुकड़े ले ओ। दो वायर के टुकड़े क्या करना आपको, एक जगह जोड़ के इस पुश बटन के, वो पुश बटन है इसके सेकंड में जोड़ दो। दो क्यों जोड़े? दोनों ऑन पुश बटन में जाएगा यहां से, एक फॉरवर्ड के लिए एक रिवर्स के लिए। OLR में भी लगाएं क्या? इसमें OLR का स्टार्टिंग में लगा देंगे इसको, या OLR को, ठीक है। इससे OLR में लगा के फेज सप्लाई दे देंगे। अगर आपको OLR लगानी है इसमें, ओवरलोड लगानी है, तो आपको क्या करना है? इसमें भी क्या है, एक NC एक NO। ये NC में आपको सप्लाई देनी है, NC से निकालनी है, फिर ओवरलोड का ये स्टॉप पुश बटन है, ये कहाँ काम आता है? इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन काम में आएगा, ठीक है। तो यहां से अपन लगा देते हैं इसमें, एक इनपुट में लगा दो और एक आउटपुट में। अब देखो, फेज वायर लिया ओवरलोड के एनसी में, दिया एनसी से निकाल कर स्टॉप पुश बटन में, स्टॉप पुश बटन से आउटपुट से दो वायर निकालने हैं जो दोनों एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स दोनों ऑन पुश बटन में लगाना है। लग गया। अब इनके साथ एक एक वायर और जोड़ देना है, जो कहां लगेगा? होल्डिंग के लिए कहाँ लगेगा? एनओ में लगे। इनको लगाना है 13 नंबर में, एक एक लगा देंगे दोनों में, है ना। दोनों ऑन पुश बटन के साथ जो इनपुट दे रहे हैं अपन, यहां से एक एक वायर और निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होते हैं 13-14 नंबर, तो दो में से एक में लगा देना आप। अगर मेंशन नहीं होता है, नंबर मिटे होते हैं, तो आप ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होता है। आ गई समझ में? ऑफ पुश बटन से दो वायर लिए, ऑन पुश बटन के इनपुट टर्मिनल एक नंबर में दे दिया और एक नंबर से अपन दो वायर निकाल दिए, ये कहाँ लगाएंगे? 13 नंबर में।
ठीक है, इसका 13 नंबर ये है, इसमें लगा देते हैं। अब ये तो हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर, ये हो गया रिवर्स, इसका भी 13 नंबर में लगा देते हैं। लग गया। अब ऑन पुश बटन है, इनके आउटपुट टर्मिनल है सेकंड टर्मिनल, वहां से दो वायर निकालो। ये दोनों वायर कहां लगाने हैं आपको, फॉरवर्ड का रिवर्स में और रिवर्स का फॉरवर्ड में। एक बार तो सेकंड वायर निकालते हैं अपने फॉरवर्ड का और दूसरा निकालेंगे रिवर्स का। ठीक है, ये फॉरवर्ड ऑन पुश और ये रिवर्स ऑन पुश। अब फॉरवर्ड वाला तो रिवर्स के एडन ब्लॉक है, उसके एनसी में लगाएंगे। एनसी में दो टर्मिनल होते हैं, एक इन और एक आउट, तो इन में लगा दो। इसका लगाया फॉरवर्ड का ऑन पुश बटन से सेकंड वायर उठाया और रिवर्स के एनसी में लगा दिया। अब रिवर्स के एनसी से वायर निकालना है, रिवर्स के एनसी सेकंड से वायर निकालना है, वो कहां लगाना है, इसके ए वन में, एनवीसी के फर्स्ट टर्मिनल में। इसका A1 का है, हाँ इसके A1 में, इसका A1 कौन सा, ये A2 हो गया, इधर A1 है इसका। ठीक है, अब इस A1 में देने के बाद आपको A1 से दूसरा वायर निकालना है, वो कहाँ देना है, 14 नंबर में, 14 नंबर। वही स्टैंड पर इसको कहां लगाएंगे, 14 नंबर में। 14 नंबर किसका है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट का। अब ये होल्डिंग हो गया है ना, एनवीसी किसको, इसको होल्ड कर लेगी प्लंजर को, इस कॉन्टेक्टर का काम हो गया। अब देखना है जो रिवर्स का ऑन पुश बटन है वहां से अपन सेकंड टर्मिनल से वायर निकालेंगे, वो कहां लगाएंगे, फॉरवर्ड के एनसी फर्स्ट में, एनसी सेकंड से निकालना है एक वायर और वो कहां लगाना है, रिवर्स के A1 में। ठीक है, रिवर्स का A1 का है, इसमें लगाएंगे और A1 से एक वायर निकालना, वो कहां लगाना आपको, 14 नंबर में। 14 नंबर में क्यों लगाया जाता है, होल्डिंग के लिए।
अब आपका कंट्रोल वायरिंग का सर्किट पूरा हो गया। अब सिंगल फेज सप्लाई का बोर्ड लेके आओ मेरे पास, पहले इनको चेक करते हैं अपन। अबे न्यूट्रल कहाँ देना आपको, फेज वायर तो हो गया कंप्लीट। अब दोनों कॉन्ट्रेक्टर के जो ए टू सिरे हैं एनवीसी के, उनसे आपको दोनों को एक जगह कनेक्ट करके क्या करना है, न्यूट्रल निकाल लेना। ए वन के पास चला गया सप्लाई, ए वन से क्या करना आपको, ये ए टू है, ए टू में दे दो, दोनों के ए टू को कॉमन करके न्यूट्रल सप्लाई से जोड़ना है इसको। कॉम्बिनेशन प्लायर लेके आएगा, दोनों के A1 को कॉमन करके इसको न्यूट्रल दे देंगे। सप्लाई का बोर्ड ले आओ, अपना कनेक्शन तैयार है। आ गई सप्लाई, तो ये तो हो गया आपका न्यूट्रल और ये हो गया फेज। पहले आपको सर्किट को चेक कर लेना है, उसके बाद में क्या करेंगे अपन, पावर वायरिंग करेंगे। ये कौन सी वायरिंग हो गई, कंट्रोल वायरिंग। आप फेज और न्यूट्रल दोनों जोड़ देना इसमें, फेज न्यूट्रल जोड़ के सप्लाई ऑन करनी है। उसके बाद में क्या करना आपको, पहले फॉरवर्ड को चलाना, फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। उसके बाद में क्या करना आपको, स्टॉप पुश बटन, आप ऑफ पुश बटन भी दबा सकते हैं और इमरजेंसी स्टॉप भी दबा सकते हैं। इससे आपको दबाओगे तो हो गया ऑफ, इससे भी बंद हो जाएगा और इससे भी बंद हो जाएगा। बंद करने के बाद आपको क्या करना है, रिवर्स में चलाना, रिवर्स कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, इसको बंद करके अगर फॉरवर्ड में चलाना तो फॉरवर्ड को और रिवर्स में चलाना है तो रिवर्स में। ये तो हो गई आपकी कंट्रोल वायरिंग। अब करनी है आपको पावर वायरिंग। पावर वायरिंग के लिए अब ये कॉन्टेक्टर में तीन तीन जो पॉइंट खाली हैं, तीन इनपुट के तीन आउटपुट के, ये L1 L2 L3, तीनों को आपस में क्या कर देना है, L1 से L1 कर दो, L2 से L2 और L3 से L3। ये तीनों सप्लाई के, लाओ तीन वायर लाओ। और यहां तो देना है सप्लाई का L1 L2 L3, थ्री फेज सप्लाई कनेक्ट करनी है ना। दो दो वायर मिला दो, दो वायर के टुकड़े और लेके आओ, मिला दो। अब एक को तो मान लेते हैं अपने L1, L1 को L1 से लगा दो, L1 का ये L1 हो गया, इसका L1 को यहां से निकालो और दूसरे कॉन्ट्रेक्टर के L1 से लगा। अब एक वायर ले लो L2 का, ये L2 से मिला देंगे।
एक लेना है L3। कहाँ? तो पता नहीं क्या क्या कर लेगा। इस कॉन्ट्रेक्टर को ही मोटर के पास रख देंगे। मोटर को रखोगे आप, कैमरा आगे ले लेंगे। वो मेरा काम है, तू दिमाग खराब मत रखा तेरा। ये जुड़ गए ना L1, L2, L3। ये तो हो गए इनपुट 3 वाय, L1, L2 और L3। यहां तो देना आपको सप्लाई। ये पावर वायरिंग हो रही है अब ना, इसमें 3 फेज लाइन जोड़नी है। अब आउटपुट साइड में जाओ, यहां L1 को L1 से जोड़ देना, L2 को L2 से नहीं जोड़ना है, L3 से जोड़ना है और 3 को 2 से जोड़ना है। एक फेज एक्सचेंज करना है, तभी ये फॉरवर्ड रिवर्स में होगा। यहां भी आपको क्या करना है, दो दो वायर कर लेना कॉमन। यहां आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक ओवरलोड रिले भी लगानी है आउटपुट में। ठीक है, पहले लगाते हैं अपन L1, L1। एक को तो आप कॉमन लगा देना, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर को चेंज कर दो, या 1 नंबर 2 नंबर को चेंज कर दो। तीनों फेज में से कोई एक फेज चेंज करना है आपको। L1 को L1 में लगा दिया, L2 को L3 से लगाना है। और L2 को लगा देना आप किससे, L2 से। अब आ गया समझ में? अब ये आउटपुट क्या होगा, L1, L2 और L3, इनको कहाँ जोड़ देना है आपको, मोटर में जोड़ना है। मोटर से पहले इसको जोड़ना है ओवरलोड में। ठीक है, तो ओवरलोड को कहाँ करना है आपको कनेक्ट, इसी की जगह ओवरलोड जोड़ देते हैं अपन डायरेक्ट। इनको निकाल देते हैं। कहां से निकल गए, L2 से वायर। ये कहां से निकल गया, L1 से, L1, L2 और ये है L3। इनकी जगह क्या करना, अब OLR लगा देनी है। और OLR से आउटपुट निकाल लेना।
ठीक है। अब ओवरलोड भी जुड़ गई इसमें, ऑन पुश हो गया, ऑफ पुश हो गया, ये थ्री फेज लाइन के हो गए तीन वायर। और यहां से आपको आउटपुट निकालना है, ठीक है। आपका ये तो हो गया फेज, ये हो गया न्यूट्रल, ये तो हो गया कंट्रोल वायरिंग का। थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज सप्लाई से जोड़नी है, ये तीन वायर हो गए थ्री फेज सप्लाई। और ओवरलोड से क्या करना आपको, बाहर निकालना है, ठीक है। अब ये टेबल को यहाँ से हटाओ और मोटर के पास ले आओ इसको, हटा दो इसको। ले आओ कैमरे को इधर ले आओ। वहां का सामान इधर उधर मत करो। अब देखो ये ओवरलोड ले रख गई, ओवर लोड के साथ आउटपुट में जोड़ दिया मोटर के कनेक्शन। अब इस ओवरलोड को सप्लाई कहां से मिलनी है, इस कॉन्टेक्टर से। अब इन तीनों को क्या करना है, ओवरलोड रिले से सप्लाई कनेक्ट कर दो इसे। ओवरलोड रिले को तो देनी है सप्लाई कॉन्टेक्टर से, कॉन्टेक्टर ओवरलोड को मोटर से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गया फॉरवर्ड, ये हो गया रिवर्स, ये हो गया। अब इसको होल्ड करने के लिए सिंगल फेज सप्लाई चाहिए मेरे को, दे दें। सिंगल फेज सप्लाई की आवश्यकता हो गया आपको इसको कंट्रोल करने के लिए। एक बार चालू करके देख लेते हैं अपने होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कॉन्टेक्टर हो गया होल्ड, अब इसको ऑफ करना है, दूसरा कॉन्टेक्टर होल्ड हो रहा है। अब इसको क्या करना है आपको, थ्री फेज सप्लाई इसको ऑन करो वहां से। थ्री फेज सप्लाई को ऑन करने के बाद वहां से इसको मेन स्विच को ऑन करो, ठीक है। अब मैं वो अलग अलग है ना सारे वायर, अब मैं एक नंबर ऑन पुश बटन को दबाऊंगा, मोटर देखो कौन सी दिशा में रन कर रही है। अब हो गई है एंटी क्लॉकवाइज, फॉरवर्ड में चले, फॉरवर्ड चल रही है ना, रिवर्स रिवर्स। अब इसको फॉरवर्ड करना है,
ठीक है। अब फॉरवर्ड करने का तरीका क्या है कि अपन मान लो इसको चला लिया, अब ये रिवर्स में चल गई, रिवर्स को बिल्कुल मोटर बंद हो जाती है, उसके बाद में बिल्कुल बंद होने के बाद में आपको क्या करना है, फॉरवर्ड दबाना है, फॉरवर्ड ऑन पुश दबाना है। अबे ये इमरजेंसी स्टॉप है, इसको इससे भी अपन इसको ऑफ कर सकते हैं। हो गई फॉरवर्ड, ये हो गया इसका रिवर्स, ये हो गया फॉरवर्ड, ठीक है। एक ही स्टार्टर से अपन मोटर को दोनों दिशा में चलाते हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर, ठीक है। ये प्रैक्टिकल इसरो में स्पेशल, इसरो और बार्क के अंदर पूछते हैं बार बार, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है फॉरवर्ड रिवर्स का, ठीक है। ये कॉन्टेक्टर के साथ भी पूछ लेते हैं, और एक जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है ना उसका भी पूछ लेते हैं, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर कॉन्टेक्टर वाला आपको कल बताएंगे, आज आपको फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर का जो प्रैक्टिकल बताया गया है, इसमें कोई कंफ्यूज हो आराम से आप पूछ सकते हैं, और अपनी सप्लाई को 3 फेज को ऑफ करो और अपने हाथ से वायरिंग करके इनको सीखो। हटा